काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर में, उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली दो पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि इसमें एक टॉपिक ऐसा आता है कि जिसमें आपको बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। मेनली ये ना इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं मेनली। एक टॉपिक ये होता है जिसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये आपका मेन इंटेंशन रहेगा, ठीक है। दूसरे टॉपिक्स क्या रहते हैं, दूसरे टॉपिक में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, कैलकुलेट नहीं करनी है, गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कभी चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, कभी हम लोग करंट कैरिंग वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, कभी हम लोग एक क्लोज लूप पूरा जो क्लोज लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, और फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या फोर्स लगाती है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सेकेंड टाइप के टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जैसे वायर या पूरा लूप या चार्ज पार्टिकल, इन सबको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, और फिर ये जो टॉपिक है इसी के एप्लीकेशंस होंगे। मतलब हमने अगर वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सपोज वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वायर के ऊपर फोर्स लगता है, मतलब बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा फोर्स लगता है। फोर्स के फिर एप्लीकेशन देखेंगे, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे जिसमें वो फोर्स यूटिलाइज होगा। ये मेजरली अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड करूँ ना तो इन दो टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से अगर मैं ऐसे देख लूँ चैप्टर को तो इन दो मेनली इन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग कुछ रखेंगे चीजें, वो चीजें कैसे इंटरेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इंटरेक्शन कैसे होता है वो देखना है, क्लियर। तो इस चैप्टर का कंटेंट ऐसे बनाया जा सकते हैं, ये मेनली कंटेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर है, आज इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट ये करेंगे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आज हो जाना चाहिए, पार्ट छोटा सा ही है, विल ट्राई टू कवर दिस, ठीक है। पहले ये पार्ट कवर करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो लॉज हैं, टू लॉज आर देयर। पहला है बायोट सेवर्ट्स लॉ और उसके बाद है एम्पियर्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ और फिर एम्पियर लॉ, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ क्या है, मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, वो तो टेक्स्ट बुक में है, आपने किया है ऑलरेडी, बोर्ड लेक्चर्स में हो गया होगा। बायोट सेवर्ट लॉ नहीं करा रहा हूँ, मेनली क्या क्या एंट्रेंस के लिए याद करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, इसके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करा देता हूँ। सबसे पहला जो बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है, ये वो ये है कि बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है ना, इट्स यूज्ड टू फाइंड बी बार ड्यू टू लॉन्ग वायर। फाइनाइट ले लेते हैं, फाइनाइट लॉन्ग वायर, एक बार रीड करो देखो। सी चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, इमेजिन ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में देखो करंट फ्लो हो रहा है, दिख रहा है, तो ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। ये पी पॉइंट देखो, पी एक पॉइंट है जो इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर है, ये देखो पी पॉइंट जो है ना इस वायर से देखो आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। पी पॉइंट को आप ऊपर एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पी पॉइंट है एंड पॉइंट से ज्वाइन किया है, देखो वायर की एंड पॉइंट्स हैं,
ठीक है, लेट्स नेम इट एज ए एंड बी। एंड पॉइंट देखो ए और बी है, अगर एंड पॉइंट्स हैं वायर को मतलब ये फाइनाइट वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रही है देखो, ये देखो दो एंगल बन रही है, एक एंगल को मैं नाम देता हूँ अल्फा, दूसरे एंगल को नाम दिया बीटा, ठीक है। डायग्राम देख लो, तो इस पी पॉइंट पर सपोज हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बी कहां पर कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पर, तो वो बायोट सावर्ट लॉ से कर सकते हैं, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करने पर जो बी मिलता है वो इतना आएगा, म्यू जीरो बाय फोर बाय, ये तो हम पहले याद कर लो, ये तो हमेशा रहेगा म्यू जीरो बाय फोर बाय कॉन्स्टेंट है। उसके बाद आई डिवाइडेड बाय आर, अब ये जो मैंने लिखा है दिख रहा है आई अपॉन आर, ये भी बहुत सारे फॉर्मूलाज में आने वाला है, आई अपॉन आर, आई करंट है, आर डिस्टेंस है बेसिकली पी पॉइंट का वायर से, ये जो मैंने अभी तक लिखा है ना स्टूडेंट, ये बार बार आने वाला है आगे के एप्लीकेशंस में भी, थोड़ा इसको अपने माइंड में रखना। उसके बाद ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में जो चीज आने वाली है वो हर बार बदलेगी, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग चीज आएगी इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाला पार्ट आगे बदलने वाला है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा कि अगर ये जो बी है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन आपको मालूम है राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, कैसे करना है आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, थंब जो है ना वो करंट के डायरेक्शन में रखो ऐसे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी, तो देखो ये ऐसे होगा, पी पॉइंट पर देखोगे तो मेरी फिंगर्स अंदर जा रही है पी पॉइंट पर, मतलब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पी पॉइंट पर इनवर्ड है, इनवर्ड के लिए ये सिंबल होती है क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड है, डॉट मतलब आउटवर्ड है। फिर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज, देख लो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, काफी लेंदी होती है डिराइव करना, किसी को चाहिए डेरिवेशन तो आप अलग से बोलो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, नोट कर लो पहले। ठीक है, अभी वायर मैंने क्या ले लिया, फाइनाइट ले लिया, ठीक है, लिख लिया सबने, देखो ये फाइनाइट वायर थी, यहां पे मैंने पी पॉइंट ली थी, अब फाइनाइट की जगह हम लोग इनफाइनाइट वायर लेंगे, सपोज ये वायर इनफाइनाइट है, देखो ऐसे, ठीक है। आपको अल्फा बीटा एंगल याद है कैसे बन रही थी ना, ऐसे अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसा कुछ, तो ये एंगल थी अल्फा बीटा ना, अल्फा या बीटा, अब देखो अगर ये इमेजिन करो कि अगर ये ऊपर वाली एंड जो है वो ऊपर होती जा रही है इधर, अल्फा और बीटा एंगल बढ़ती जाएगी, देखो ऐसे, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ये जो दोनों एंगल्स थी अल्फा और बीटा, थोड़ा जजमेंट लगा सकते हो कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो अल्फा बीटा जीरो बनेंगे कि 90 बनेंगे, कोई बता सकता है, इनफाइनाइट वायर के लिए ये अल्फा बीटा कितनी होंगी, जीरो की 90 90 हाँ, साहिल और आकांक्षा करेक्ट आंसर है, 90 होंगी, अल्फा बीटा विल बी 90 डिग्री, सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट वायर के लिए आपको साइन और अल्फा और साइन बीटा जो है वो साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू, साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाएगी ना, देखो बी कितना आएगा पता है, ऐसा आएगा म्यू जीरो बाय फोर पाई आई अपॉन आर, जैसे मैंने आपको कहा ये जो टर्म लिखा है अभी तक वो बार बार आने वाला है, तो थोड़ा दिमाग में रखो इसको, साइन 90 प्लस साइन 90 लाइक 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो याद रखो ब्रैकेट वाला टर्म 2 हो गया, 2 को आप 4, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 2 की टेबल लगा देते हैं, ऐसे हो जाएगा 2 की टेबल लगाओगे तो,
ऐसे याद रखो चलेगा, नो डाउट। या फिर ऊपर वाली फॉर्मूला याद रखो, और उसमें याद रखना है कि अल्फा बीटा 90 हो जाएगा, जैसे भी। तो ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। चलो मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ। एक और टाइप की वायर होती है, एक और होती है जिसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। ये देखो सेमी इनफाइनाइट वायर भी होती है, मतलब ये क्या होगी कि ये एक साइड से इनफाइनाइट होगी, दूसरे साइड से फाइनाइट होगी। ये देखो समझ, वायर ऐसी है। इसको देखो नीचे का इसका एंड दिख रहा है आपको, नीचे एंड है उसको, ऊपर वाली एंड इनफाइनाइट है, मतलब एक साइड से ये इनफाइनाइट है, तो उसको सेमी इनफाइनाइट कहते हैं। इसमें देखो करंट है। अब इसमें हम लोग खाली एक सिंपल केस लेंगे। सिंपल केस ये रहेगा कि जो पी पॉइंट है ना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, पी पॉइंट, वो इसकी एक एंड के एकदम सामने है, ये एंड के सामने है एकदम। यूजुअली ऐसे ही रहेगा हमेशा। पी पॉइंट है ना, इट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस एंड, वन एंड। ऐसे केस में बताया क्या होगा, ये जो दो एंगल्स है ना, अल्फा बीटा दो एंगल्स याद करो, जो नीचे वाली एंगल थी पी पॉइंट के नीचे वाली एंगल, वो जीरो रहेगी, अल्फा लेट से जीरो। पी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रही थी वो बीटा वाली, वो एंगल 90 होगी। अब थोड़ा ही अलग केस है, इसमें एक एंगल जीरो है, एक एंगल 90 है, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाले, उसमें अल्फा एंगल को जीरो डालो, बीटा एंगल को 90 डालेंगे, सो इट विल बी साइन जीरो प्लस साइन 90, वन आएगा क्या ब्रैकेट। यस। बी की फॉर्मूला क्या बनेगी, म्यू जीरो बाय फोर बाय आई बाय आर, ब्रैकेट में वन आएगा, ठीक है, साइन जीरो प्लस साइन 90। देखो ब्रैकेट में वन आने वाला है, तो बन जाएगा फॉर्मूला दिस मच। क्लियर? अभी तक जो भी फॉर्मूला मैंने बनाए ना, उसमें ध्यान से देखोगे ना, तो जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड किया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यहाँ पे देख लो, ये ऊपर वाले फॉर्मूला में भी देख लो, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मैं अभी बी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करूं, तो क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो ग्राफ ऐसा आता है, ये दिख रहा है ग्राफ। जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब पी पॉइंट आप दूर करते जाओ, वायर से पी पॉइंट दूर होती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ये दोनों देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ आता है। ये तुमको मालूम है, इस ग्राफ की जो शेप है ना, शेप देखो इस ग्राफ की, इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सपोज कभी ऐसा किया कि ग्राफ ऑप्शंस में ग्राफ नहीं दिया है, ऑप्शन में नाम लिखा है कि ग्राफ कौन सी शेप का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा, तो याद रखो ऐसी शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, क्लियर अंटिल नाउ? यहां तक क्लियर है? कुछ नोट करो तो जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी तक देखो हमने वायर्स ली थी, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर एंड ऑल, ठीक है। वायर्स में ही एक केस और बाकी है वायर में, लेकिन वो केस जो मैं एक केस जो बाकी है उसके लिए एम्पियर्स लॉ की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर वो एम्पियर लॉ से प्रूफ होता है, तो आई एम श्योर आपको एम्पियर लॉ भी याद होगा, ठीक है। एम्पियर लॉ बस इतना था शायद, याद करो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इन द लूप,
ये कुछ याद है क्या? देखो इसको एम्पियर लॉ कहते हैं। एम्पियर लॉ भी वही था कि कैलकुलेट बी करने के लिए यूज होता है, बी की कैलकुलेशन के लिए। जिनको लगता है कि सर एम्पियर लॉ इतना अच्छे से याद नहीं है कैसे था वगैरह, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रही है, जस्ट क्विकली मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ये देखो सपोज एक वायर है जिसमें करंट आई है, आई वन ले लेते हैं, ठीक है। ये दूसरी वायर है, इसमें सपोज करंट डाउनवर्ड जा रहा है आई टू। दो दो वायर्स है, ठीक है। अब इन दोनों वायर्स अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान से देखो, पी पॉइंट। पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो कि दोनों वायर्स से बनेगी, दोनों वायर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एम्पियर लॉ यूज कर सकते हैं। एम्पियर लॉ में पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग एक इमेजिनरी एम्पियरन लूप बनाते हैं, इमेजिनरी लूप बनाते हैं। ये देखो कैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो सर्कुलर लूप बना दिया, ऑलमोस्ट इमेजिनरी सर्कुलर लूप। अब इस लूप के ऊपर है ना, आप अलग अलग पॉइंट्स ले लो, टेक वेरियस पॉइंट्स ऑन दिस लूप। पी पॉइंट पर, पी पॉइंट भी जो है ना इस लूप के ऊपर ही है। देखो अलग अलग पॉइंट्स ले लिया, देखो ये सच में से लेनी नहीं है डेरिवेशन में, ऐसे इमेजिन करोगे ली है। मैं इन सारे पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, दिमाग में रखो थोड़ा ये, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इस पूरे लूप को है ना, जो पूरा लूप है इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट्स में। एक एक पार्ट है ना डीएल लेंथ का, देखो ये देखो, दिख रहा है डायग्राम में, देखो अच्छे से, हर एक पार्ट जो है ना डीएल लेंथ का है, ठीक है। और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, लेट्स से बी वन बी टू बी थ्री हर पॉइंट पे। तो एक काम करो, लुक एट द स्क्रीन, आप किसी एक पॉइंट पर बी ले लो, टेक अ बी एट वन पॉइंट, उसका डॉट प्रोडक्ट विथ अ डीएल एलिमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए किया, ठीक है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए करो, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए करो और ऐड करो सबको, उसको ऐसे लिखते हैं। ये बीच में जो मैंने सर्कल बनाया इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि पूरा लूप कवर करना है, इट विल टेक अ होल लूप, इट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स, म्यू जीरो तो परमेबिलिटी है, म्यू जीरो टाइम्स परमेबिलिटी इनटू करंट एनक्लोज इन द लूप। इस लूप में कितना करंट जा रहा है, दिख रहा है, इस लूप में आई वन करंट भी है, आई टू करंट भी है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल करंट जो जा रहा है वो आई वन माइनस आई टू माना जाएगा। यहाँ उल्टा भी कर सकते हो, आई टू माइनस आई वन, जो भी बड़ा है वो लेंगे, बड़ा करंट माइनस छोटा, ठीक है। थोड़ा याद है ये एम्पियर लॉ। तो हम लोग है ना वो फाइनाइट इनफाइनाइट वायर हमने किया ना डिस्कस, वायर्स में ही एक लास्ट पॉइंट बाकी है जो अभी मैं करूंगा, उसके लिए एम्पियर लॉ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए करा दिया, ठीक है। हाँ चलो एक वायर वाला एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट एक बार बताओ, हमने हमने इनफाइनाइट वायर भी किया, सेमी इनफाइनाइट वायर भी किया, फाइनाइट वायर भी किया, तीनों वायर्स किया हमने, लेकिन जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया पी पॉइंट पर फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर फाइंड किया कि आउटसाइड द वायर, वायर के अंदर था कि बाहर था? बाहर था ना, आउटसाइड फाइंड किया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। सपोज To find B inside the wire, so ध्यान से देखो, imagine करो कि अगर आपके पास एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना, वायर को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करूं, वायर इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे बड़ा करके ड्रॉ करूं, मैग्नीफाई करूं वायर को, तो ऐसे दिखेगी ना वायर, वायर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। ये वायर है, वायर का एक्सिस भी होता है, देखो ये एक्सिस है वायर का,
डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये एक्सिस है। वायर का अपना रेडियस भी होता है, ये देखो वायर का रेडियस ये होगा, कैपिटल आर लिखा है, ठीक है। अब इस वायर में सपोज करंट कैरी हो रहा है, इस वायर में देखो ऐसे करंट है, ये देखो कितना करंट है, आई करंट है, पूरे वायर में से करंट जा रहा है आई, ठीक है। अब इस वायर के अंदर में एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे देखो, लुक एट दिस पॉइंट केयरफुली, दिख रही है पी पॉइंट, ये अंदर ले लिया मैंने। इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड द वायर, ठीक है। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द एक्सिस, दिख रहा है डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, ठीक है, पी पॉइंट का। तो अभी इसमें पी पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एम्पियर लॉ यूज होगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एक एम्पियरन लूप बनाएंगे हम लोग, ये देखो ये एम्पियरन लूप है, ठीक है। पी पॉइंट जो है वो एम्पियरन लूप पे आ रही है, एम्पियरन लूप। अब ध्यान से देखो तो एक सर्कल है, इट्स लाइक ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये एम्पियरन लूप है, लिख दूं क्या मैं, ये देखो अब उसके बाद क्या होगा, इस एम्पिरियन लूप पे आप इमेजिन करो कि मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिया है इस एम्पिरियन लूप पे, ये देखो ये देखो, मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिया ना, डू यू थिंक दैट दीस पॉइंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड अराउंड द एक्सिस, ना द एक्सिस के अराउंड ये सब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, दूसरे पॉइंट का भी वही डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, तो ये सब पॉइंट्स है ना एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो लॉजिक ये है कि इन सारे पॉइंट्स पे बी सेम होगा, जो भी बी होगा इन सारे पॉइंट्स पर सेम होगा, बी विल बी सेम एट ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ठीक है। मैं जैसे बताया इन सारे पॉइंट्स पर बी सेम होगा, ठीक है, तो इस बी को जल्दी से बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा जीरो आई। आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये पूरे लूप को ना छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, डीएल डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब सारे छोटे छोटे लेंथ्स को प्लस कर दिया, तो क्या बनेगा, एनी आइडिया? इंटीग्रेटिंग डीएल मतलब समेशन ऑफ ऑल डीएल, सब डीएल्स को प्लस कर दोगे तो क्या बनेगा, टू पाई आर बोल रहे हैं बच्चे, करेक्ट है, डोंट वरी, सबका करेक्ट आंसर है 2πr, बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से ना 2πr बनेगा, ये सर्कमफेरेंस बन जाएगा ना इस लूप का, जीरो आए। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमको बी फाइंड करनी है, वो बी तो मिल जाएगा इस फॉर्म से, प्रॉब्लम खाली क्या है, आई पहले चाहिए हमको, आई आई क्या बना, आई आप बोलोगे सर तो करंट है वायर में से जो फ्लो है, नहीं ये आई करंट इन द वायर नहीं होता है, ये जो आई है ना इट्स अ करंट थ्रू एम्पियरन लूप, तो एम्पियर लूप से उतना करंट नहीं जाएगा जितना पूरे वायर से जा रहा है, ठीक है। ये देखो इमेजिन करो कि जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एम्पियरन लूप से थोड़े फ्लो होंगे, कुछ एम्पियरन लूप के बाहर से भी फ्लो होंगे ना, तो हमको क्या चाहिए, करंट विच पासिस थ्रू द एम्पिरन लूप नॉट द होल करंट। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सपोज जो करंट एम्पिरन लूप से जा रहा है ना वो करंट यहां पे मैं लिख रहा हूं वो आई डैश है, ये देखो आई डैश जो है ना इट्स अ करंट थ्रू स्ट्रिक्टली एम्पिरन लूप, लूप से जितना करंट जा रहा है मतलब लूप से जितना चार्ज पास हो रहा है पर सेकेंड, चार्ज पासिंग पर सेकेंड थ्रू द लूप, उसको बोलते हैं करंट थ्रू एम्पिरियन लूप, वो फाइंड करना है आई डैश। मैं करके देता हूं लेकिन उससे पहले अगर कुछ नोट करना है तो अभी नोट कर लो, पहले जो लिखना है लिख लो जल्दी।
हो गया। चलो सबको फॉर्मूला क्या बन रही है देखो, बी इंटू टू पाई आर, बस आई डैश फाइंड करना बाकी है। ठीक है, आई डैश कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखो। सब ये एम्पिरन लूप है, एम्पिरन लूप की एरिया पाई आर स्क्वायर होगी। इस लूप से करंट कितना जा रहा है, आई डैश जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं पूरा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, ये सब ये पूरी वायर है, पूरा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। और इसमें से जो करंट जा रहा है, पूरे वायर में से जो करंट जा रहा है वो आई है। अगर आप करंट डिवाइड बाय एरिया करोगे ना, देखो आई डैश डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, करंट डिवाइड बाय एरिया, तो इसको करंट डेंसिटी कहते हैं ना, जे, जे से डिनोट किया जाता है, इसे करंट डेंसिटी। पूरे वायर के लिए आप कैसे करोगे, वायर के लिए ऐसे करोगे आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी सेम ही रहेगा, जितनी डेंसिटी है करंट की वो सेम रहेगी लूप में और वायर में, ये दोनों को इक्वल लेना है। ऐसे लेने पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आई डैश आपको मिल जाएगा कितना, ऐसे मिलेगा देखो, दिख रहा है ये आई डैश, प्लीज आप यहां पे पुट कर लो, पुट कर लो, देखो क्या हो रहा है, बी इंटू टू पाई आर मी जीरो टाइम्स करंट इन द लूप कितना लिखेंगे, आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड से स्मॉल आर कट हो जाएगा, टू पाई को शिफ्ट करो बी मिल जाएगा, इसमें से बी आपको ऐसा आने वाला है म्यू जीरो आई बाय टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हेयर स्मॉल आर, बराबर है, देखो ये आने वाला है ना, सबको मिला ये, इसमें एक बात बताओ ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, दिख रहा है, पहले क्या था, पहले वाले एप्लीकेशन में बी और आर इनवर्स प्रोपोर्शन थे, वो भी बताया था मैंने, इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनसाइड द वायर खाली ऐसा होता है कि इनसाइड द वायर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है, और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड बी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्क्रीन पे देखो अभी, तो ये देखो अगर मैं बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं फिर से, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ग्राफ ऐसा रहेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन जैसे ही आप वायर के बाहर जाओगे, एज यू गो आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर क्या होता है, बी और आर इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, तो बाहर ग्राफ ऐसा हो जाएगा देखो। तो जो कर्वी ग्राफ है वो आउटसाइड द वायर के लिए है, इनसाइड द वायर हो ना तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, समझा ये पूरा, इसके साथ आपका वायर पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, सी वायर हमने कंप्लीट कर लिया, वायर के बाद हम नेक्स्ट एक चीज पे जा रहे हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड बी बार ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जो सर्कुलर चीजों पे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बहुत हो गया, अभी सर्कल पे जाएंगे, तो फाइंड बी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ये देखो सपोज ये एक वायर है, ध्यान से देखो एक वायर है, वायर का नेम है ए बी, लेकिन वायर को ऐसे बेंड किया है कि वो एक सर्कल का आर्क बन रहा है, इट्स लाइक आर्क ऑफ अ सर्कल। इस वायर में करंट है ऐसे आई, लुक एट इट, सो दिस वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये ओ दिख रहा है, ओ इज अ सेंटर ऑफ दैट सर्किल, ओ सेंटर ऑफ सर्किल है,
आर जो है रेडियस ऑफ द सर्किल। अभी जो आर्क है ना, आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, द एंगल एट द सेंटर बाय दिस आर्क एंगल थीटा है। डायग्राम में सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है। So, अभी हमको बी पॉइंट पर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ओ पॉइंट पर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सेंटर पे मतलब फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई आई डिवाइड बाय आर। ये मैंने आपको बोला था कि पहले भी याद करना है, ये स्टेप तो हमेशा आएगा। यहां पर आर जो है वो रेडियस ऑफ द आर्क होगा ना। मैंने उसके बाद बोला था कि जो ब्रैकेट में सिर्फ चीज है वो चेंज होती है, ओनली ब्रैकेटेड क्वांटिटी चेंज। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा थीटा इन द रेडियंस। यस, थीटा इन रेडियंस आएगा। ये ऊपर सी लिखा ना है, सी का मतलब है थीटा इन द रेडियंस, रेडियंस में पुट करना है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना बायोट सेवर्ट्स लॉ से डिराइव हो सकती है इजीली, ठीक है। डेरिवेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एंट्रेंस में जरूरी नहीं है वो डेरिवेशन। फिर भी किसी को चाहिए अपने लिए तो बोल सकते हो, मैं अलग से डिराइव करके दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर बोलेंगे तो मैं दे दूंगा फिर, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया। इसमें एक बात बताओ, अगर क्वार्टर सर्किल होगा, लेट्स से जो आर्क है ना, आर्क अगर क्वार्टर सर्किल है, सर्किल का 1/4 पार्ट है, 1/4 ऑफ सर्किल है, तो थीटा कितनी लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, पाई बाय टू। बस ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें पाई बाय टू डाल देना थीटा को। अगर आपको जो सर्किल दिया हुआ है, जो आर्क दिया हुआ है, आर्क सेमी सर्किल के फॉर्म में है, आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल होगा तो बीच में वो एंगल कितनी बनाएगा, सेंटर पे 180 बनाएगा, थीटा विल बी पाई रेडियंस। अगर फुल सर्किल दिया है, मतलब आर्क नहीं दिया, पूरा का पूरा सर्किल दिया है और सेंटर पे बी कैलकुलेट करने को बोला है, जो के आपको मालूम होगा कि जो फुल सर्किल होता है ना, फुल सर्किल भी एक तरीके से आर्क ही होता है, ठीक है। लेकिन फुल सर्किल जो बीच में एंगल कितनी बनाता है, 360 बनाता है, थीटा हम लोग लेंगे 360 मतलब 2π, ठीक है। बस ये थीटा अगर आप यहाँ पे डाल दोगे, आपको क्वार्टर सर्किल, सेमी सर्किल, फुल सर्किल कुछ भी कवर हो जाएगा इसमें, समझा। सिंपल है, आई थिंक, नहीं क्लियर? तो बस एक फॉर्मूला याद रखो, अपने आप हो जाएगा इसमें। क्लियर विथ आर्क, आर्क समझा। ठीक है, अच्छा। हम लोग ने सबसे पहले देखो एक टॉपिक किया था, वायर, फाइनाइट इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर। उसमें एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग हो गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर स्पेस मिले तो पीछे लिख देना वायर वाले केस में, ठीक है। एक पॉइंट मिस हो गया, ध्यान से देखो। सपोज ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, सीधे इस डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, इस डॉटेड लाइन को एक्सिस भी कहते हैं, ये वायर की एक्सिस है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, या फाइनाइट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फाइनाइट ही ले लो, चलो फाइनाइट फाइनली ले लेते हैं। चलो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है वो उसकी एक्सिस है, ठीक है। अब अगर आपको याद है, पहले हमने पी पॉइंट यहाँ पे ली थी, इधर इधर पी पॉइंट ली थी, याद है, ऐसे जॉइन किया था, नीचे एंगल अल्फा था, ऊपर एंगल बीटा था, ऐसा कुछ। अगर तुम पी पॉइंट को शिफ्ट करोगे इधर उधर, पी पॉइंट को शिफ्टिंग करोगे ना, नीचे ऊपर शिफ्ट करोगे पी पॉइंट को, अल्फा बीटा चेंज होती है। अगर मैं पी पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, इधर ये पी पॉइंट है, इसको शिफ्ट करके इधर ले लिया, देखते हैं आपका इमेजिनेशन कितना होता है। पी पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो आप में से कोई बता सकता है कि अल्फा बीटा कितने होंगे, हाउ मच विल बी अल्फा एंड हाउ मच विल बी बीटा। पी पॉइंट अगर मैंने एक्सिस पर ले लिया तो अल्फा और बीटा कितने होंगे, हाउ मच विल बी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, एनी आइडिया? No idea. साहिल दलाल बोल रहा है कि दोनों जीरो होंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क दे रहा है, मतलब थोड़ा डाउटफुल है उसको। साहिल दलाल बोल रहा है कि दोनों जीरो होंगे, आकांक्षा सिंह दोनों जीरो होंगे,
तो आकांक्षा सिंह 180, अमन कुमार, सुमित विश्वकर्मा, आशुतोष गौर, सब जीरो बोल रहे हैं, अल्फा बीटा जीरो होंगे, आकांक्षा खाली बोल रही है 180, बाकी लोग जीरो बोल रहे हैं, मतलब मेजोरिटी जीरो बोल रहे हैं, आकांक्षा 180 बोल रही है, तो मेजोरिटी इज राइट, अल्फा बीटा दोनों जीरो बनेंगे। देखो जो फॉर्मूला आने वाली है ना वो 180 से भी वही फॉर्मूला आएगी जो जीरो से आएगी, लेकिन असली में आंसर जीरो है, दोनों जीरो बनेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा जीरो होंगे ना, तो आप बी की फॉर्मूला लगाओ जो आपको बताई थी, बी भी जीरो ही निकलेगा। याद रखो जब आप पॉइंट एक्सिस पर लेते हो ना, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है वायर की। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, देखो देखी होगी आपने ऐसा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनती है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखो, अगर बना सकते हो वायर वाले के पॉइंट में स्पेस है तो वहां बनाओ, नहीं तो यहाँ पे लिख लो, सिर्फ इतना लिखना है कि बी ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज जीरो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बी जीरो होता है एक्सिस पर। आई होप ये क्लियर है। सो सर्कुलर पोर्शन हो गया, ये सब हो गया, वायर वाला केस हो गया। ठीक है, क्लियर ना? ठीक, बस कुछ चीजें और हैं, उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी सर्किल में मैंने फुल सर्किल भी आपके कवर किया था, देखो सपोज ये फुल सर्किल है, फुल सर्कल के लिए मैंने आपको बताया बी एट दी सेंटर कैसे मिलता है, अगर फुल सर्किल है तो कैसे याद करोगे, बी जीरो बाय फोर पाए आई बाई आर, हाँ क्या लिखू ब्रैकेट में, बोलो बोलो बोलो, टू पाई, टू पाई, टू पाई बराबर, चलो टेबल लगा लो टू पाई की, फोर पाई पे टेबल लगा लो, ये आएगा बराबर। मतलब अब ये नीचे वाला फॉर्मूला याद मत करो, ऊपर वाला याद करो चलेगा, लेकिन आएगा यही। ठीक है, हाँ अब जो फुल सर्किल है ना उसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज ये एक फुल सर्किल है, मतलब इसको फुल सर्किल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिंग, सपोज वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग, ऐसे रिंग को जो हम ना एक साइड से देख रहे हैं, इट्स लाइक साइड व्यू ऑफ द रिंग। सॉरी, इसको रिंग नहीं बोल सकते, रिंग तो वो रोटेशन वगैरह में बोला जाता है, रिंग इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग इसको लूप ही बोलेंगे, सर्कुलर लूप, बट इट्स अ साइड व्यू ऑफ दैट लूप। ठीक है, इस साइड व्यू है, इस लूप में देखो करंट है ऐसा, ये देखो, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर पॉइंट यहां पर दी हुई है पी पॉइंट, कहां पर, एक्सिस ऑफ द रिंग पे, इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मतलब आई वांट टू फाइंड बी at a point P which is on the axis of the ring। ठीक है, तो इस रिंग का जो रेडियस है ना, या इस लूप का जो रेडियस है वो r है, ये देखो r, स्मॉल r भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पे जाऊं तो मैंने स्मॉल r लिखा था, यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल r इस बार सेम ही है, मतलब स्मॉल r की जगह मैंने कैपिटल r लिख दिया खाली। अच्छा, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो P पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी भी डेरिवेशन है, काफी लेंथी डेरिवेशन होती है। ठीक है, ऐसा कुछ था, देखो 11th स्टैंडर्ड में या 12th में, मेबी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ डेरिवेशन देखा है कभी, ऐसा कुछ पूरा डेरिवेशन है, मतलब वेक्टर है उसको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, ये सब करके B मिलता है अल्टीमेटली, B इस डायरेक्शन में होता है पहले दो, मतलब ये जो बी है ना, इट मे बी अवे फ्रॉम द रिंग या इट मे बी टुवर्ड्स द रिंग, दोनों हो सकता है, लेकिन अलोंग द एक्सिस होता है बी। ठीक है, वो डायरेक्शन भी मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड करना है, बट अलोंग द अवे फ्रॉम द रिंग हो सकता है या टुवर्ड्स द रिंग हो सकता है, बी है,
बी की वैल्यू मैं बता देता हूँ, इतनी होती है बी जीरो एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू इन दी ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, देखिए कभी फॉर्मूला। इसमें एन दिख रहा है क्या, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस रिंग, इस यहाँ पे वायर के कितने टर्न्स है वो है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जब भी सर्कुलर कॉयल को टर्न्स होंगे तो वो एन मल्टीप्लाई होता है उसमें। ये फॉर्मूला है बी ऑन द एक्सिस। ठीक है, क्लियर, थोड़ा ध्यान में रखो। अब बी का डायरेक्शन कैसे निकालना है, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो ये देखो ऐसे समझा देता हूं मैं। सपोज ये आप करेंगे, ये करंट अगर आप ध्यान से देखो तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, नहीं करंट लुक्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, वो ईएमआई में बताया था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। ये जो रिंग का फेस है ना, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। आपको मालूम है ये जो रिंग है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो ये उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। नॉर्थ पोल अगर ये है तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकलेंगी ना, नहीं ऐसे निकलेंगी, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होती है ना, तो ये लाइंस जो है ना, यही लाइंस बी का डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे होगा आउटवर्ड। ये राइट हैंड थंब रूल से भी मिलता है, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगता है। ये देखो मेरा जो यहाँ पे ऐसा होगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से मिलता है ये। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर करंट क्लॉकवाइज होगा यहाँ से क्लॉकवाइज है तो फिर बी इनवर्ड आएगा। ठीक है, वो आप समझ सकते हो अभी, ऐसे बी का डायरेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर, बी का कैलकुलेशन वाले पॉइंट्स करा दिए। ठीक है, ये हो गया, बस एक या दो फॉर्मूला और है, कैलकुलेशन ऑफ बी हो जाएगा। एक या दो फॉर्मूला जो बाकी है वो सब आपके टेक्स्ट बुक में ही है। सोलोनॉइड और टोराइड करा था क्या, याद करो, सोलोनॉइड बी इनसाइड द सोलोनॉइड एंड बी इनसाइड द टोराइड, बस उतना ही बाकी है। ठीक है, एक काम करते हैं, वो सोलेनोइड टोराइड बाद में भी हो जाएगा, छोटा सा ही है। मैं अभी क्या करता हूँ, कुछ एक या दो न्यूमेरिकल में करा देता हूँ जिसमें आपको बी कैलकुलेट करना होगा, यू नीड टू कैलकुलेट द बी। तो आई होप ये नोट डाउन हो गया ना। चलो एक थोड़ा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसके ऊपर, एड ऑन वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। की डायग्राम ड्रॉ करो, ये ए बी सी डी जो है ना वो एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप। इस लूप में आपको करंट दिख रहा है, आई इज अ करंट, करंट 2 एम्पियर है, और हमको क्या करना है, ये जो रेडियस है आर वन लिखा है मैंने इसको, इट इज 1 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है ये वाला, ये आर टू है 2 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लो, इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब हमको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट। बी को फाइंड आउट करना है ओ पॉइंट पर, क्वेश्चन ऐसा ही है। तो
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है? इजी है, आई एम श्योर आता होगा, बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो पूरा लूप है ना, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ए से बी तक वाला पार्ट है ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन चारों पार्ट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक एक पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैलकुलेट करेंगे। सारे मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर सम लेंगे, वेक्टोरियल सम लेंगे, दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चारों लूप्स का, चारों पार्ट्स का अलग अलग करना है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो एक बार बताओ, ए बी दिख रहा है, पहले ए बी को देखो, ए बी पार्ट को देखो। कोई बता सकता है कि ए बी की वजह से, बिकॉज ऑफ द ए बी पोर्शन, ओ पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है? कुछ आइडिया है कैसे निकालेंगे या कितना आएगा, कुछ मालूम है? भले आप माइक ऑन करके बताओ यार, जो करना है। ए बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओ पॉइंट पर? तो अब क्या करो, ए बी को देखो और फिर ओ को देखो बस। तो ए बी की वजह से ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एनी आइडिया कैसे निकालेंगे या कैसे करोगे? जीरो आएगा, जीरो, यस, सब लोग जीरो बोल रहे हैं अभी, सब लोग नहीं भाई, छह सात लोग जो हैं जो अटेंटिव हैं, बाकी लोग तो अभी आई थिंक नींद से भी नहीं उठे हैं। सो ए बी की वजह से जीरो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द ए बी जीरो। इधर मैं ऐसे लिखता हूँ, बी ए बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी जीरो। और एक पोर्शन है ना सी डी, ये देखो सी डी, देखो सी डी की वजह से भी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो जीरो आएगा सी डी की वजह से। ये देखो, बाकी दो पोर्शंस बचे, एक एडी और एक बीसी। एडी आप देखोगे तो एडी एक सर्कुलर आर्क है, तो एडी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो इतना आएगा आई बाय आर वन। एडी जो है ना, एडी का रेडियस आर वन है, मीटर बाय फोर पाई आई बाय आर वन। ब्रैकेट में थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री मतलब पाई बाय थ्री। ये ए डी की वजह से, बाकी एक वजह बी सी। बी सी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा मी जीरो बाय फोर पाई अगेन आई बाय आर टू, इसका रेडियस आर टू है। देखो ये भी 60 डिग्री बना रहा है पाई बाय थ्री। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों सर्कुलर पोर्शंस की वजह से है। अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करना चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे पता चलेगा, ये देखो ऐसे कर सकते हो, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये इनवर्ड है। और अभी ये देखो, ये मेरा थंब इस पे है, देखो आउटवर्ड है। तो जो इनर, जो अंदर वाला आर्क है ना, अंदर वाला जो आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, देखो। और जो बाहर वाला आर्क है ये देखो, उसकी वजह से इनवर्ड आ रही है। क्या लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, ठीक है। इसमें भी प्लीज एक चीज याद रखना, एक चीज, जो इनर आर्क है ना, इनर आर्क की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनर आर्क की वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो इनर आर्क नियर है ओ पॉइंट के। जो बाहर वाला आर्क है, इवन तो वो बड़ा दिखता है, बाहर वाला आर्क बड़ा है, ड्यू टू आउटर आर्क मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, क्योंकि वो दूर है ओ पॉइंट से। तो इनर आर्क में से आप सब्ट्रैक्ट करना आउटर आर्क वाला, नहीं तो आंसर फिर नेगेटिव में आएगा अदरवाइज, ठीक है। मीटर बाय फोर पाई बाहर आ गया, आई भी बाहर आ जाएगा, पाई बाय थ्री भी बाहर है, इट्स जस्ट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब देखो वैल्यूज डाल के आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। किसी को मालूम है म्यूजियर बाय फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है ना? 10^-7। म्यूजियर बाय फोर पाई की वैल्यू 10^-7 होती है। बाकी चीजें डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर वन आर टू को कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वगैरह, ठीक है,
कर सकते हो, ध्यान में रखना उसको, आय को एम्पियर में ही है, ठीक है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर दिया है, ठीक है, तो उसको प्लीज आप कंप्लीट कर लेना, बी मिल जाएगा, समझाइए क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन आज मुझे करना है जो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है, इसमें जल्दी कुछ नोट करना है तो जल्दी कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करना है, ये देखो स्क्रीन पे, सपोज एक वायर है, ठीक है, वायर को हमने ना स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया है, इसे वायर को से स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया है, इस वायर पे से करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो ये इसका सेंटर सेंडर है, इट्स अ सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड है ना वो लेंथ एल का है, एल इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, हाँ सॉरी स्टूडेंट, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या, इतना खाली कोई बोलता हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसका साइड एल है, इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है, करंट सपोज आई फ्लो है इसमें से, सेंटर पे हमको बी निकालनी है, ठीक है, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो थोड़ा बड़ा सा स्क्वायर बनाओ ना, छोटा बनाओगे तो नहीं समझेगा, फिर थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, स्टार्ट करूं मैं, सेंटर पे हमको बी फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करने का, इस वायर को अज्यूम करो कि जो वायर है ना एक्चुअली में ये 4 इनफाइनाइट वायर से बनी हुई है, इट्स एक्चुअली 4 फाइनाइट वायर्स, 4 फाइनाइट वायर्स, एक वायर है ए बी, एक है बी सी, सी डी और ए डी, 4 फाइनाइट वायर से बनी हुई है, हम लोग क्या करेंगे ये जो 4 फाइनाइट वायर्स है ना, इन चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे और उसको एड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अभी आप पहले काम करो, एक फाइनाइट वायर ले लो, कोई ए बी ले लो, ए बी दिख रहा है, ए बी वायर, पहले पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस वायर, कौन सी ए बी, ए बी एक फाइनाइट वायर, देखो सिर्फ ए बी वायर को देखो आपको लगेगा हाँ वो फाइनाइट है, देखो ये डिस्टेंस, देखो जो पी पॉइंट का ए बी वायर से डिस्टेंस, ये एल बाय टू होगा बराबर, इसको से ज्वाइन करो, आपको याद होगा ये वाली जो एंगल है ना इसको अल्फा बीटा लिया जाता था, याद है, ये एंगल 45 डिग्री की होगी, और खुद सोचो कैसे कि ये 45 होती है, नहीं अल्फा बीटा दोनों 45 होंगी, हो गया डिस्टेंस मालूम है, पी पॉइंट का वायर से कितना डिस्टेंस है, एल बाय टू है, एंगल भी मालूम है, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अभी बी की फॉर्मूला ये होगी 0/4π I by R, याद है ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 0/4π मैं बाद में पुट करूंगा, इसको ऐसे रखो, I R जो डिस्टेंस होता है R हमको L by 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो L by 2 ब्रैकेट में साइन 45 प्लस साइन 45, समझा, 0/4π I by L, 2 obviously ऊपर आ जाएगा, 2 sin 45 और sin 45 ना, तो 1/√2 + 1/√2 कर लो, ये ब्रैकेट में आंसर रूट टू आएगा, ब्रैकेट का आंसर रूट टू है, इधर रूट टू आ जाएगा,
प्लूटो इज द आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट. हाँ, ये कौन सी वायर की वजह से बना? ए बी वायर की वजह से ना. अभी एक बार बताऊं, ध्यान से देखो, ए बी वायर जैसा है, बीसी वायर भी आइडेंटिकल है, बीसी की वजह से भी सेम मैग्नेटिक फील आएगा. चारों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील है वो सेम आएगा. चारों वायर्स ए बी के जैसे ही आइडेंटिकल है, चारों वायर्स की वजह से सेम मैग्नेटिक फील आएगा. इसको खाली इंटू फोर करना होगा चारों वायर्स के लिए. देखो इंटू फोर, तो अल्टीमेटली आपकी फॉर्मूला बनेगी म्यू जीरो बाय फोर बाय, इंटू फोर करने पर हो जाएगा एट रूट टू आई बाई एल. ये है फॉर्मूला फॉर डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला याद रखती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डिराइव करने आना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, देख लो एक बार. कुछ डाउट है तो बोलो. क्लियर? ओके. क्लियर? आई होप ये फिनिश हो गया. ओके, ओवर. बस एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं, इट हार्डली टेक 1 मिनट टू फिनिश, एक ही मिनट का काम है. ये देखो, सपोज कभी ऐसा हो गया कि आपको ऐसा बोला है कि एक सर्कुलर लूप है ऐसा, इसको सर्किल मान लो, मैंने बराबर नहीं बनाया लेकिन सपोज सर्किल है. बी एट द सेंटर कैलकुलेट करो, ऐसा बोला. अब आप बोलेंगे सर वो तो हमको मालूम है, मैंने फॉर्मूला वगैरह. नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करनी है. जब ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स हैं सर्किल के ऊपर, ए और बी कोई भी दो पॉइंट्स हो सकती है. ए पॉइंट से ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे लिखा है आई करंट आ रहा है, और फिर वो बी से जा रहा है. ये थोड़ा अलग सिचुएशन है देखो. तो यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे क्लोज पाथ में फ्लो नहीं होगा, मतलब सर्किल में क्लॉकवाइज फ्लो नहीं होगा. कैसे होगा? ये जो करंट आएगा ना आए, यहाँ पे ए पॉइंट पे आके स्प्लिट होगा. ऊपर सपोज करंट गया आई वन, नीचे ऐसे करंट गया आई टू. तो ऊपर का जो आर्क है, ऊपर वाले आर्क में आई वन फ्लो होगा, नीचे वाले आर्क में आई टू फ्लो होगा, और दोनों यहाँ पे बी पॉइंट पे कंबाइन होके बाहर चले जाएंगे. ठीक है, ऐसा है. तो यहाँ पे दो दो आर्क बन गए एक्चुअली, एक है मेजर आर्क और एक है माइनर आर्क. ठीक है, अब देखो ये थीटा जो बीच में बन रहा है, ये थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय द आर्क ए बी. थीटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक है, इसमें अगर हम लोग डेरिवेशन करें ना, फाइंड करने की कोशिश करें कि बी पॉइंट पे सेंटर, सेंटर पे बी कितना होगा, तो सेंटर पे बी आता है जीरो. यस, जीरो आता है. क्या होता है, जो ऊपर वाला आर्क है ना उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इट इज कैंसल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम द लोअर आर्क. नीचे का आर्क और ऊपर का आर्क जो है ना, वो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो कैंसिल कर देती है एक दूसरे को. बी जीरो आता है ऐसी सिचुएशन में. आप लिख के रखो ये चीज, तुमको चाहिए कि सर मुझे डेरिवेशन, आप खुद ट्राई करो इसको डिराइव करने का. कुछ हिंट में दे देता हूँ, हिंट अगर दे दूं, हिंट ये है कि जो ऊपर वाली वायर है ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नीचे वाली जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. वापस सुन लो, करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस कम होगा. तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर थीटा के साथ प्रोपोर्शनल होगी. ऐसा कुछ यूज करना है आपको लॉजिक, बी जीरो आ सकता है. ट्राई करो भले इसको डिराइव करने का कभी चाहिए तो. ठीक है, ओके. तो आज यहां तक कंप्लीट कर लिया हमने, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. डाउट है क्या? बोलो.
नथिंग,